देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7053 नए मामले सामने आ गए। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक बहुत तेजी से दी है दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना ने 24 घंटे में 104 लोगों की जान ले ली। दिवाली से पहले दिल्ली में हावी हुआ कोरोना। कोरोना संक्रमित की संख्या दिल्ली में 4,67,000 से ज्यादा हो गई है। 4.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है दिल्ली में कोरोना संक्रमण। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वो आपको समझना होगा। एक और समझिए आप कि यहां पर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना और वायु प्रदूषण डबल अटैक है दिल्ली पर। कोरोना काल में प्रदूषण पर आज की जो बड़ी खबर वो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जानलेवा स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण का लेवल। आज दिल्ली का AQI लेवल 418 तक पहुंचा है। गुड़गांव का AQI 381 है। नोएडा का AQI 330 है। समझना होगा कि ये जो इंडेक्स सामने आ रही है ये बहुत ही खराब हालात सामने पैदा हो रहे हैं, जो इन सभी जगहों का रिकॉर्ड किया गया है AQI लेवल। लेकिन इनमें सबसे ऊपर दिल्ली है, मतलब कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रदूषण का खतरा भी दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। हमारे संवाददाता पीयूषा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हैं। पीयूषा दिखाइए जरा इस वक्त कितना स्मॉग आप देख पा रहे हैं। आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कितनी मुश्किल हो रही है वहां पर जहां खड़ी हैं आप सांस लेने में। कोरोना का अटैक, ऊपर से ये पॉल्यूशन दिल्ली वालों को कितना परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हैं और आज जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली में वो करीब 326 दर्ज किया गया था सुबह के वक्त। लेकिन अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो प्रदूषण जो है वो विजिबल है, इस वक्त देखा जा सकता है। आपको एक बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से धुंध छाई हुई है आसमान में। और ये जो पोल्यूशन के लेवल्स है इसका सीधा संबंध कोरोना से है ये कहा जाता है, एक्सपर्ट से मानते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो भी लंग्स पर इफेक्ट करता है। प्रदूषण जो है वो भी फेफड़ों पर यानी लंग्स पर इफेक्ट करता है। तो क्या जो हमारी पहले से ही कमजोर लंग्स प्रदूषण के कारण होती है उनमें अगर कोरोना का डबल अटैक होता है तो ये बेहद घातक होता है। साथ ही पीयूषा हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, मैं लौटूंगी और कोशिश करिए कि अगर आपके पास मोबाइल है तो इस वक्त जो वहां का लेवल है वो भी आप दिखा पाएं। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूं, तब तक मैं तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूं दर्शकों को। तीन तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आप देख रहे हैं। साउथ एक्स में किस तरीके का नजारा है, सदर बाजार में देख रहे हैं आप, ये सरोजनी नगर बाजारों में कितनी भीड़ हो रही है ये भी देखिए। दिवाली मनाएं पर सावधानी बरतना ना भूलें। दिल्ली के लिए ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ओर दिवाली है, दूसरी ओर किस तरीके से प्रदूषण दिल्ली में दस्तक दे चुका है वो भी खतरनाक लेवल पर, ये आपको समझना होगा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिवाली की तैयारियां हैं, मार्केट सज चुके हैं, लेकिन इस बीच सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। डबल अटैक है दिल्ली पर। पीयूषा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पीयूषा एक और दिवाली, दूसरी ओर जिस तरीके से पॉल्यूशन का खतरनाक लेवल दिल्ली में, जाहिर है कि लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, लेकिन सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है इसके लिए। जी देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये देखा गया था कि हर साल प्रदूषण होता है, लेकिन हर साल सिर्फ नवंबर में आकर या अक्टूबर में आकर के सरकार जागती है और ये देखती है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में फिलहाल ग्रैप लागू किया गया है, ग्रेटर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके चलते खुले में कूड़ा जलाने से लेकर मैनुअल स्वीपिंग से लेकर इन सब पर बैन लगाया जाता है, डीजल जनरेटर पर। ये आम चीजें हैं जो लोकल फैक्टर्स को कम करती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, दिवाली पे पटाखे जलाने से जो पोल्यूशन एकदम से बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए ये भी कहा गया है। लेकिन ये सभी जो तैयारियां हैं ये पहले से नहीं की गई। हमें पता होता है कि एक सीजन है जहां पर पराली जलाकर यहाँ पर धुआं आता है या फिर यहाँ के जो दिल्ली के जो अपने लोकल फैक्टर्स होते हैं उनसे आता है, लेकिन ये सभी चीजें सरकार तभी जागती है जब शुरू हो गया होता है। बिल्कुल पीयूषा सही कहा आपने, चूंकि ये समस्या पिछले साल भी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले साल कोरोना जैसी विश्व महामारी सामने नहीं थी, इसलिए सिर्फ प्रदूषण से लड़ना था, लेकिन इस बार कोरोना से भी दिल्ली वासियों को लड़ना है। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी के लिए। एक तरफ जहां कोरोना है तो दूसरी तरफ प्रदूषण है, दिल्ली वालों को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ रहना होगा। दिवाली मनानी होगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।